मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के श्री महावीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राणावास में संस्था प्रधानों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय निर्माण की 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। प्रशिक्षण के दौरान CBO शंकर सिंह उदावत ने स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के साथ सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यालयों में विकास करने की बात कही। ACBO धन्नाराम परिहार ने बताया कि विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के साथ नवाचार हो, विद्यालय का चहुंमुखी विकास हो। कुशल मास्टर ट्रेनर डॉक्टर हापूराम रेगर, विजेंद्र सिंह शेखावत, राजा राम पालीवाल, अब्दुल रजाक पठान, परमवीर सिंह, दिनेश त्रिवेदी द्वारा प्रशिक्षण में सत्रों में सुरक्षित समावेशी विद्यालय निर्माण व धारणा, स्कूल सुरक्षा, स्कूल प्रशासन आदि पर विस्तृत वार्ताएँ प्रस्तुत की। कार्यशाला में 70 संस्था प्रधानों की मौजूदगी रही। देखिए ACBO धन्नाराम परिहार ने क्या संबोधित किया, सुनिए। जंक्शन ब्लॉक है, आप लोगों की मेहनत और आपकी सजगता की वजह से सम्मानजनक स्थिति में पाली दिल्ली हो, और सम्मानजनक स्थिति आपकी वजह से, क्योंकि आप फील्ड में काम करने वाले लोग, फिर से जो काम होता है वो हम लोग तो यहाँ ऑफिस में बैठ करके आगे भेज देते हैं। तो सच्चे अर्थों में ये कहा जाए कि आप हमारे फील्ड के वो अग्रपंक्ति के सैनिक हैं जो हर समस्या से लड़ते हैं। एक बिग डिफरेंस है, निकल क्या करता है जब बरसात होती है तो क्या करता है, सारे पक्षी तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, भागते हैं ना, भागते हैं अपने को बचाने के लिए, भागते हैं इधर उधर, भागते हैं शर्टन में, शरण में जाते हैं किसी की। ईगल क्या करता है जब बरसात होती है वो अपने आप को बादलों से उठा लेता है, ऊपर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन उनका एटीट्यूड देखो अपना आप सॉल्व हो जाता है। तो आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा, आपका एटीट्यूड आपका अच्छा रहेगा, सकारात्मक आपका सोच रहेगी, विशाल आपका हृदय रहेगा, तो मैं मानता हूँ ना तो स्टाफ में न बच्चों में, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमें इतना बढ़िया अवसर मिला है, इतना अच्छा अवसर मिला है दान देने का, ये अवसर तो किसी को और कर्मचारी को नहीं मिला, हमें मिला। हम नौकरी भी करते हैं, दान भी करते, इससे बड़ा दान और हो ही नहीं सकता। विद्या दान तत्परम, अन्न दानम परम दानम, विद्यादानम तत्परम, अनेक संख्या तृप्ति यावत जीवन सर विद्या। तो विद्यादान तो सबसे बड़ा माना गया है। अगर आप अन्न की दान करोगे तो वो क्षणिक रहेगा, एक महीने खा लेगा, दो महीने खा लेगा, एक दिन के लिए खा लेगा, तृप्ति हो जाएगी, लेकिन अगर आप